हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई क्यू डोट्स। आज मैं आपके साथ कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे आपका वर्ड है वैंडी बर्ड्स, इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू। इसे आप रिलेट कर सकते हैं वैंडी को भिंडी से। जैसे आप दुकान पे भिंडी खरीदने जाएंगे तो आप क्या दुकानदार से उसके प्राइस को कम करने के लिए क्या करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। इस तरह आप याद रख सकते हैं वैंडी बर्ड्स टू आर्ग्यू। Example: Obedient children do not bandy words with their parents. Next आपका है at the spur of moment, इसका मतलब होता है without delay। अब स्प्यूर से आप प्लेट कर सकते हैं गोल्डबर्ग स्पेयर। आपने रेसलिंग देखी होगी तो उसमें देखा होगा गोल्डबर्ग जब भी स्पीयर डालता था वो बिना किसी देरी के डाल देता था। इस तरह आप याद कर सकते हैं एट द स्पूर ऑफ मोमेंट विदाउट डिले। इसकी एग्जाम्पल इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पूर ऑफ मोमेंट। अगला आपका अज्यूम एयर्स, इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड स्पिरिटी। इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे हवच आना, बल्कि अपने आप को बहुत बड़ा मान लेना। इसकी एग्जांपल दरिच आर इन हैबिट ऑफ अज्यूमिंग एयर्स। अगला आपका ब्लो बंस ट्रम्पेट, अपना बाजा ब्लो बजाना। इसका मतलब टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ खुद करना। इसकी एग्जांपल नो वन लाइक टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ट्रम्पेट। नेक्स्ट आपका बाइट द डस्ट, इसका मतलब धूल चाटना, टू बी डिफीटेड। एग्जाम्पल इंग्लैंड हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप। अगला आपका बुल इन ए चाइना शॉप, इसका मतलब होता है वन हु कज डैमेज। अगर आपका कोई दुकान में बैल घुस जाए तो क्या करेगा, वो नुकसान ही करेगा। तो इस तरह आप याद रखते हैं वन हु कज डैमेज। इसकी एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल इन ए चाइना शॉप। अगला आपका है बोर्न विद सिल्वर स्पून, इसका मतलब होता है टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली। अगर कोई चांदी के चम्मच के साथ पैदा होगा तो खोस क्या, वो एक रिच फैमिली में पैदा होगा। एग्जाम्पल माई फ्रेंड बोर्न विद सिल्वर स्पून। नेक्स्ट आपका है क्राई फॉर द मून, इसका मतलब होता है टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। अगर कोई बच्चा आपका रो रहा है, बोल रहा है मुझे चांद ला के दो, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से विश कर रहा है जो उसकी पॉसिबल नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल देखते हैं द होप ऑफ विनिंग द लॉटरी इज सिंपली क्राइंग फॉर द मून। अगला आपका क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब होता है रिपेंट, मतलब पछतावा। दूध उबल गया अब रोने से क्या फ़ायदा, चिड़िया चुग अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। इसकी एग्जांपल केयरलेस स्टूडेंट्स ऑफन हैव टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अगला आपका है हॉर्नेस्ट नेस्ट, इसका मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन। हॉर्नेट आपका होता है एक भिंड, जो मिट्टी का छत्ता होता है उसमें वो कौन बनाता है, भिंड होता है वो कीड़ा वो बनाता है। अगर कोई उसमें फंस जाए तो उसके लिए क्या होगी, वो एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाएगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी उसके लिए। इसकी एग्जांपल द स्पीकर स्टार्टेड अप हॉर्नेट्स नेस्ट बाय रेफरिंग टू द इम्पेंडिंग चेंजेस इन द रूल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।